नमस्ते आप सभी को। देखिए जीवन में वीनस जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करता है हमारे जीवन में। यानी कि अगर आपके सारे ग्रहों में कोई एक भी ग्रह अगर बलवान होता है तो वो अपनी छाप आपके जीवन में ज़रूर छोड़ता है। उसी प्रकार से अगर आपके 9 के 9 ग्रहों में अगर आपका शुक्र बलवान है तो वो आपकी सारी ऊर्जाओं को, यानी नेगेटिव ऊर्जा जो ग्रहों से आती है या फिर बाहरी जीवन से आती है, तो उसे वो घटा देती है, उसे वो आप तक पहुंचने नहीं देती। क्यों? क्योंकि वीनस एक्टिव है। अब वीनस एक्टिव कैसे होगा तो खुद ही देख लो। मैं कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ अपनी। मैंने हेयर स्पा कराया, ठीक है ना, फेशियल कराए, थोड़ी मसाज करा ली, ठीक है। जैसे हम कपड़ों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक कपड़ा है, इसकी देखभाल भी करनी ज़रूरी होती है। और देखभाल इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जितना ज़्यादा मेंटेन रहेगा उतनी उसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है। तो हम अपने शरीर का जितना ध्यान रखेंगे, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, हमारी एनर्जी बिल्कुल बहुत एनर्जेटिक रहेगी और साथ में आपका वीनस एक्टिव होगा। तो वीनस एक्टिव होने से जीवन में सुख सुविधाओं के साधन मिलने शुरू हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाता है। पार्लर ज़रूर जाइए, कम से कम महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पार्लर ज़रूर जाइए। देखिए पार्लर का कनेक्शन किसके साथ होता है? वीनस के साथ ही। क्यों? क्योंकि वो सजाते हैं आपको, अच्छा बेहतर बनाते हैं। तो इससे भी जो जितने, जैसे हम मंदिर में जाते हैं वहाँ की ऊर्जा लेकर आते हैं, उसी प्रकार से हम पार्लर्स में जाते हैं तो पार्लर की ऊर्जा भी हम लेकर आते हैं। यानी कि हमें बेहतर बनना है, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, बाल कितना अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो वो एक एनर्जी होती है जो हम लेकर आते हैं। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो ये आप लोगों के लिए है और उन महिलाओं पुरुषों के लिए है जो खुद पर ध्यान नहीं देते। देखिए लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ स्वच्छता, एक अच्छा परिवेश और एक अच्छी मानसिकता होती है। नहीं तो लक्ष्मी तो हर किसी के पास भी आ सकती है, लेकिन वो आती क्यों नहीं? क्यों? लक्ष्मी को लाने के कुछ नियम। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी मंदिर है, इसकी देखभाल, इसके साथ सज्जा करनी भी ये आपके ही आयत्त में आती है, तो इसकी देखभाल ज़रूर कीजिए। ठीक है, नमस्ते।